हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मार्च महीने करंट अफेयर को। पूरे के पूरे मार्च महीने करंट अफेयर को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि पूरे के पूरे मार्च महीने करंट अफेयर को एक साथ कवर करने वाले, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल हेरिटेज साइट। देखिए, हमारे प्रदेश का एकमात्र फॉसिल पार्क, हमारे प्रदेश का एकमात्र फॉसिल पार्क कहां है, तो वो है आपके मनेंद्रगढ़ कोरिया में। ठीक है, कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में हमारे प्रदेश का एकमात्र मैरीन फॉसिल पार्क है। मैरीन, मैरीन का मतलब होता है आपका समुद्री, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, समुद्री जीवाश्म पार्क मौजूद है आपके मनेंद्रगढ़ में, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये आपके हसदेव नदी के तट पर मनेंद्रगढ़ कोरिया जिले में स्थित है। देखिए, यहां पर जो है आपका पार्क प्रस्तावित है, इसे आपका एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। देखिए, ये जो आपका पार्क है, या यहां पार्क ना बोल करके इसे हम हेरिटेज साइट करके आप बोलिएगा। देखिए, जो आपका प्रस्तावित हेरिटेज साइट है, ये आपका मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा इलाके में हसदेव और हसिया नदी के संगम पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है, इसमें 8 करोड़ की लागत खर्च होगी। देखिए, अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रदेश का एकमात्र मैरीन फॉसिल पार्क किस नदी के तट पर है, हसदेव नदी के तट पर, अगर किन नदियों के संगम पर है पूछा जाए, तो हसदेव और हसिया नदी के संगम पर आपका प्रदेश का या एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल हेरिटेज साइट आपका हसदेव और हसिया नदी के संगम पर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत खर्च होगी। ठीक, देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की, तो इस क्षेत्र में, यानी कि हसदेव नदी के तट पर मनेंद्रगढ़ वाले क्षेत्र में, आपका वर्ष 2012 में इस आमा खेरवा में समुद्री फॉसिल होने की जानकारी मिल चुकी थी, जबकि 2015 में बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ के विशेषज्ञों ने यहां 25 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म या समुद्री फॉसिल की पुष्टि की थी। देखिए, इस क्षेत्र में समुद्री फॉसिल होने की जानकारी 2012 में ही मिल चुकी थी, जबकि आपके बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ के विशेषज्ञों के द्वारा यहां पर 25 करोड़ साल पुराने, ठीक है, कई जगह आपको 25 से 29 मिलेगा, ठीक है, लगभग इसी के बीच वैरी करेगा, 25 करोड़ साल पुराने समुद्री फॉसिल की पुष्टि की गई थी इस क्षेत्र में। ठीक, देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे वर्ष 1982 में ही नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट, ठीक है, मॉन्यूमेंट में शामिल किया था, यानी कि आपका राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में इसे वर्ष 1982 में ही शामिल किया था। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल हेरिटेज साइट कहां विकसित किया जा रहा है, ये विकसित किया जाएगा हसदेव नदी के तट पर मनेंद्रगढ़ कोरिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा, 8 करोड़ रुपए की इसकी लागत आ रही है। अगर किस नदी के संगम पर है पूछा जाए, तो हसदेव और हसिया नदी के संगम पर स्थित है। 2012 में यहां पर समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य होने की जो है जानकारी मिल चुकी थी। 2015 में यह पुष्टि किया गया कि यहां पर जो समुद्री जीवाश्म है, यह 25 करोड़ साल पुराने हैं। ठीक है, जबकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1982 में ही नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के रूप में इसे शामिल किया जा चुका है। ठीक, देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारत में 4 जगह पर आपके समुद्री फॉसिल के साक्ष्य मौजूद है। पर तो ये समझ लीजिए, समुद्री फॉसिल्स होता क्या है, समुद्री फॉसिल्स यानी कि समुद्रों के जीवाश्म। देखिए, क्या होता है कि काफी साल पहले या करोड़ों वर्ष पहले जो समुद्र के जो जीव जंतु थे, वो समय बीतने के साथ साथ या पृथ्वी के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ समुद्र के जल का स्तर कम होते गया, और उसमें मौजूद जो जीव जंतु है वो पत्थर के नीचे दब गए। तो वो जो पत्थरों के नीचे जो जबे हुए आपके करोड़ों वर्ष से जो पत्थरों के नीचे दबे हुए जो जीव जंतु के जो अवशेष है, उसे ही कहा जाता है आपके जीवाश्म। हमारे भारत के 4 स्थान पर समुद्री फॉसिल्स के साक्ष्य मौजूद है। एक है आपका खेमगांव सिक्किम, दूसरा है आपके झारखंड के राजहरा में, तीसरा है आपका सुम्बासरी अरुणाचल प्रदेश, और चौथा है आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, और हमारा छत्तीसगढ़ 5वां स्थान है हसदेव नदी के तट पर मनेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो देखिए, ये है आपके मैरीन फॉसिल पार्क, जो कि आपके मनेंद्रगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आता है, और ये है आपके ये साक्ष्य। ठीक है, यहां पर जो देख रहे हैं, ये है आपके समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य। ठीक, इसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए,
प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला का मतलब क्या होता है? लक्ष्मण झूला का मतलब होता है आपका सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। लक्ष्मण झूला का मतलब होता है आपका सस्पेंशन ब्रिज। ये जो आपका प्रदेश का सबसे बड़ा जो आपका लक्ष्मण झूला है, ये मौजूद है राजिम गरियाबंद में। गरियाबंद जिले के राजिम में स्थित है। इसका उद्घाटन किया गया आपके 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था आपके फरवरी 2017 में, जबकि बन करके पूर्ण हुआ आपके जनवरी 2022 में, यानी कि इसी साल। ये जो आपका ब्रिज है, ये मौजूद है आपके त्रिवेणी संगम, महानदी पैरी और सोंडूर के त्रिवेणी संगम पर मौजूद है ये आपका सस्पेंशन ब्रिज, जिसकी लागत लगभग आपके 34 करोड़ के आसपास है। इस ब्रिज का परिमाप की अगर हम बात करें तो इस ब्रिज की लंबाई है आपका लगभग आपके 610 मीटर, चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई है आपका 3.25 मीटर, ऊंचाई है यहां नदी के तल से, नदी के तल से इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक। और ये जो आपका ये जो झूला बना हुआ है, जो लक्ष्मण झूला बना हुआ है, जो ब्रिज बना हुआ है, ये कनेक्ट करेगा कुलेश्वर महादेव मंदिर व राजीव लोचन मंदिर को, ठीक है। कुलेश्वर महादेव मंदिर और राजीव लोचन मंदिर को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है। देखिए, ये जो आपका जो लक्ष्मण झूला है राजिम का, ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला है, लेकिन प्रदेश का पहला लक्ष्मण झूला ये आपका स्थित है खारून नदी पे। खारून नदी रायपुर में वर्ष 2018 में ही ये आपका लक्ष्मण झूला बना हुआ है। ये मेरे प्रदेश का पहला लक्ष्मण झूला है, प्रदेश का पहला सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। जबकि राजिम के त्रिवेणी संगम पर, यानी कि महानदी पैरी और सोंडूर इसके त्रिवेणी संगम पर अभी वर्ष 2022 में बना यह प्रदेश का दूसरा लक्ष्मण झूला है। लेकिन अगर बात किया जाए तो ये अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला है। पहले की बात किया जाए तो पहला बना हुआ आपकी खारून नदी रायपुर में, और प्रदेश के सबसे बड़े लक्ष्मण झूला की बात किया जाए तो यह है आपके राजिम गरियाबंद का लक्ष्मण झूला। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर, अभी आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश में जो आपका मनरेगा मजदूरी दर जो निर्धारित थी उसमें 11 रुपए की वृद्धि की गई है। देखिए, प्रदेश में जो है अभी पिछले वित्तीय वर्ष में 193 रुपए प्रतिदिन की दर से मनरेगा मजदूरी दर दी जाती थी, जिसमें 11 रुपए की वृद्धि करके अब यह मनरेगा मजदूरी दर कर दिया गया है आपके 204 रुपए प्रतिदिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मनरेगा मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए था 193 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। जबकि 2022-23 ये लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से, 2022-23 लागू हो चुका है ऑलरेडी, 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसमें 11 रुपए की वृद्धि की गई है, वर्तमान में कितना है 204 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके व्यापम के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग 2022, अभी हाल ही में हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग इसका आयोजन हुआ। कहां पर हुआ, ध्यान दीजिएगा, बूढ़ा तालाब में, बूढ़ा तालाब स्थित आउटडोर स्टेडियम रायपुर में, रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित आउटडोर स्टेडियम में। देखिए, इसकी जो मुख्य स्पर्धा थी ये थी आपके 6 मार्च को, अभ्यास स्पर्धा 5 मार्च को था, जो कि निशुल्क था और इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ रही थी। 6 मार्च को जो है इसकी मुख्य स्पर्धा थी। अब देखिए, ये राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग होता क्या है, नॉर्मल बाइक रेसिंग से ये अलग होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, इसके जो ट्रैक है ये प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से धूल मिट्टी के बने होते हैं, ऊंचे और नीचे अप एंड डाउन बम्प्स होते हैं और साथ ही साथ कीचड़ वाले ट्रैक्स होते हैं, यानी कि जो आपके सड़क है उसमें ऐसे थोड़े बड़े टाइप के ब्रेकर्स, बम्प्स वाले ब्रेकर्स होते हैं, धूल मिट्टी युक्त जो है आपके ट्रैक्स बने होते हैं, जिसमें ड्राफ्ट बाइक रेसिंग ये सारे इसमें होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय, आपसे डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग 2022 का आयोजन कहां हुआ, रायपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आउटडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत माता वाहिनी। अब ये भारत माता वाहिनी ये क्या है समझिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, भारत माता वाहिनी का संबंध किससे है, ये नशा मुक्ति अभियान या फिर आपका शराबबंदी अभियान से संबंधित है। भारत माता वाहिनी जो है ये शराबबंदी या नशा मुक्ति एक अभियान है, ध्यान दीजिएगा। अगर जहां कहीं पे भी आपका शराबबंदी या नशा मुक्ति आता है तो इससे संबंधित विभाग कौन सा होता है, आबकारी विभाग।
लेकिन ये जो भारत माता वाहिनी है इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है आपके समाज कल्याण विभाग को, ठीक है। अगर शराबबंदी होगी तो इससे किसका कल्याण होगा? समाज का कल्याण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारत माता वाहिनी ये किस अब ये जो अभियान है किससे संबंधित है? शराबबंदी या फिर आपका नशा मुक्ति अभियान संबंधित है। किस विभाग के द्वारा संचालित है? ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो गठन है प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। हर ब्लॉक में 2000 से ज्यादा आबादी वाले 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, ठीक है। इस जो आपके जो भारत माता वाहिनी है इसमें कुल 8 सदस्य होंगे, जिसमें अधिकतम 3 पुरुषों को शामिल किया गया है। और ये 8 सदस्यों का जो चयन है ये ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। ये इसमें विशेष बात क्या है? अवैध रूप से शराब बेचने वालों के घरों के सामने जाकर के भजन कीर्तन करेंगे, यानी कि अहिंसा के मार्ग अपना करके कर रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा कि जो पास के किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के एक ज्ञापन सौंप करके पर्टिकुलर व्यक्ति जो गांव में जो अवैध शराब की बिक्री करते हैं, किसी घर में अगर अवैध शराब की बिक्री हो रही है तो उनके घरों के बाहर जाकर के भजन कीर्तन करेंगे। और हर जिले में लोग जो है जैसे ये नशा मुक्ति अभियान है तो हर जिले में 15 बिस्तर का नशा मुक्ति केंद्र भी शुरू किया जाएगा इस भारत माता वाहिनी अभियान के अंतर्गत। भारत माता वाहिनी अभियान क्या है? ये शराबबंदी या नशा मुक्ति अभियान है जिसके अंतर्गत अभी 1460 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। 1460 ग्राम पंचायतों में इस भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा। इसमें 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया जिसमें 8 सदस्य होंगे, अधिकतम 3 पुरुष होंगे, और इन सदस्यों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ये क्या है? जिलों में बहुतायत से होने वाले एक एक प्रोडक्ट के जरिए ब्रांडिंग की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा भारत के सभी 728 जिलों में वहां पे उत्पादित वहां पर आपके 728 जिलों में बहुतायत से उत्पादित होने वाले एक एक प्रोडक्ट का चयन कर उसकी ब्रांडिंग किए जाने की तैयारी है, ठीक है। एक एक प्रोडक्ट का चयन कर उसकी ब्रांडिंग किए जाने की तैयारी है। देखिए, इसमें पूरे के पूरे देश भर के 728 जिलों को शामिल किया गया है। उन जिलों में फसलों और कृषि के आधार पर, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर एक जिले में एक कृषि उत्पाद या किसी एक आपके फसल या किसी एक कृषि उत्पाद के लिए उस जिले की पहचान है, ठीक है, तो उस जिले को उस उत्पाद का आवंटन दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 28 जिलों में मिलने वाले उत्पादों को उनकी पहचान के मुताबिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने के लिए चिन्हित किया है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ में जशपुर में चाय की पैदावार ज्यादा है, ठीक है, चाय की खेती होती है, तो उस जशपुर को आपका चाय यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट एक जशपुर एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, वन प्रोडक्ट उसे वो उत्पाद अलॉट कर दिया गया। अब उस क्षेत्र में उस जिले में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने के लिए, ठीक है, वहां पर प्रोत्साहन किया जाएगा। देखिए, सेंटर योजना को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों में 14 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या होता है? वो इस सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को लगाने के लिए उन्हें फंडिंग प्रदान करता है, फंड देता है, ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है, उन्हें मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये कहलाता है आपका इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। विशेष बात क्या है? चयनित जिलों के उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण यानी कि आपका फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, शॉर्ट में इसका नाम है PMFME योजना के तहत आर्थिक और तकनीकी मदद दी जाएगी। यानी कि एक जिले का चयन कर उसे एक उत्पाद अलॉट किया जाएगा और उस उत्पाद के अकॉर्डिंग वहां पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है, और इन्हें प्रोत्साहित और फंडिंग प्रदान करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। यह है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे प्रदेश में देखिए हमारे प्रदेश के किस जिले में कौन सा आपका उद्योग लगाया जाएगा उत्पाद के अकॉर्डिंग। जैसे कि बालोद में है आपका अदरक, सबको नहीं बताऊंगा, बालोद में है अदरक, बलौदा बाजार में है चावल, बलरामपुर में है मुंगेली, बेमेतरा में है पपीता, भाटापारा में चावल, बीजापुर में महुआ, दंतेवाड़ा में आम, धमतरी में चावल, दुर्ग में टमाटर,
गरियाबंद में चिरौंजी, गोरेला पिंडर मरवाही में सीताफल, जगदलपुर में इमली, जांजगीर चांपा में चावल, जशपुर में चाय, ठीक है, जशपुर की चाय की खेती फेमस है, कबीरधाम में गुड़, कबीरधाम जो कि गन्ने के लिए फेमस है, तो जहां पर आपकी गन्ना होता है वहीं पे शक्कर और गुड़ की पैदावार होती है, कांकेर सीताफल, कोंडागांव काजू, कोरबा महुआ, कोरिया टमाटर, महासमुंद दूध, मुंगेली टमाटर, नारायणपुर हर्रा, रायगढ़ टमाटर, रायपुर को थोड़ा याद रखिएगा, रायपुर जेम्स एंड जेली, राजनांदगांव चावल, सुकमा कोदो कुटकी यानी कि मोटे अनाज, सूरजपुर हल्दी और सरगुजा लीची। ये है हमारे प्रदेश के 28 जिले और उन्हें अलॉट किया गया कृषि उत्पाद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 7 मार्च 2022 को रायपुर के बीटीआई ग्राउंड से कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए, पिछले बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसके एक दिन पहले 7 मार्च 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। ये योजना क्या है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पुत्री के जन्म पर, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, पुत्री के जन्म पर नहीं, सेकेंड गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर द्वितीय पुत्री के जन्म पर, ध्यान समझिएगा, यह कथन आधारित प्रश्न बन सकता है, ठीक। कौशल्या मातृत्व योजना जो है, इसकी शुरुआत 7 मार्च 2022 को हुई, इस योजना के अंतर्गत द्वितीय पुत्री के जन्म पर अगर पहली संतान पुत्री है और दूसरी संतान भी पुत्री हो रही है, द्वितीय संतान पुत्री या द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राही को इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए की सहायता राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी, ठीक है। सहायता राशि कितनी है, 5,000। इसमें हितग्राही कौन होंगे, द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राही, ठीक है। देखिए, विशेष बात क्या है, इस राशि को बच्चियों के लालन पोषण और शिक्षा में मदद प्राप्त होगी, इसके अलावा बेटियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार आएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके कौशल्या मातृत्व योजना है, इसका शुभारंभ 7 मार्च 2022 को हुआ, इस योजना के अंतर्गत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को 5,000 रुपए की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ये इसका आयोजन हुआ 5 मार्च से 8 मार्च, यानी कि लगभग 4 दिवसीय आपका ये ऑक्टेव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ये कहां पर हुआ, साइंस कॉलेज रायपुर में, ठीक है, साइंस कॉलेज रायपुर में इसका आयोजन हुआ। नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्टेव यहां पे जो है आपके नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्य यानी कि 7 सिस्टर स्टेट और आपका एक स्टेट सिक्किम, तो टोटल 8 जो आपके पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य है, ठीक है, उसके पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों का यहां पर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के कलाकार, हस्तशिल्प एवं भोजन विशेषज्ञ ने यहां पर अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। इसका जो आयोजन है, इस फेस्टिवल का आयोजन दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर और छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के द्वारा इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो दक्षिण मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र, इसका मुख्यालय कहां है, नागपुर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसका मुख्यालय कहां है, नागपुर। तो इसके द्वारा और हमारे छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विभाग के द्वारा ऑक्टेव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन आपके साइंस कॉलेज रायपुर में किया गया, जहां पे पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य शामिल हुए। इस नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कलाकार, हस्तशिल्पी और भोजन विशेषज्ञों ने अपनी प्रदर्शनी या अपना प्रदर्शन दिखाया। यहां पर लगभग आपके 250 फोक डांसर आए, 10 के करीब हैंडलूम और आपके व्यंजनों का स्टॉल लगाने वाले भी यहां पर पहुंचे। दुर्भाग्यवश बात यह रही कि यहां पर जितने भी कलाकार और जितने भी आपके हस्तशिल्पकार पहुंचे, उन्होंने यह कह दिया कि आज के बाद हम रायपुर में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्हें इतने घटिया तरीके की व्यवस्था दी गई, ना ही इनके खाने पीने का ध्यान रखा गया, ना ही इनके रहने का ध्यान दिया गया। यहाँ पे जितने भी कलाकार आए वो मुंह पर बेइज्जती करके गए हैं कि हम छत्तीसगढ़ में दोबारा कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि व्यवस्था उतने ढंग से इन्हें प्रदान नहीं की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके रैली कोशा, ये जो इसमें देखिए, ये जो आपके रैली कोशा है, इसके कोकून का पालन मुख्यतः साल वृक्ष में किया जाता है। साल वृक्ष में प्राकृतिक रूप से इस रैली कोशा का पालन किया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग के 7 जिले कौन कौन सा, आपका कांकेर हो गया, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा,
ठीक है, नारायणपुर, बीजापुर, यहां पर जो है इस रैली को, यानी कि बस्तर संभाग में इसका मुख्यतः उत्पादन होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है कि बस्तर में उत्पादित होने वाले इस रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा इसका खरीदी किया जाएगा, क्रय किया जाएगा। विशेष बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रैली कोसा है इसके एक कोकून से 1500 से 1700 मीटर लंबा धागा प्राप्त किया जा सकता है। राज्य में दो प्रकार के कोसा का उत्पादन होता है, एक है आपके रैली और दूसरा है आपका डाबा कोसा। तो जो रैली कोसा का उत्पादन ये मुख्य रूप से बस्तर में होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस बजट, इस साल के बजट, बजट 2022-23 में धागा उत्पादन व प्रसंस्करण के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की गई है, ठीक है, शुरुआत होगा। और साथ ही साथ जगदलपुर में, जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर नानगुर गांव में कोकुन बैंक की स्थापना की जाएगी, इसकी घोषणा इस साल के बजट में की गई थी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रैली कोसा के लिए फेमस है कौन सा संभाग, बस्तर संभाग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मैनपाट महोत्सव। मैनपाट महोत्सव जिसका 10वां संस्करण आपके वर्ष 2022 में इसका 10वां संस्करण था, ठीक है, 10वें नंबर का आपका मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि आपके 3 दिवसीय महोत्सव था। 11 से लेकर के 13 मार्च के मध्य आपका यह महोत्सव का आयोजन हुआ। इसका अगर स्थान की बात करें तो खोपखार जलाशय मैनपाट सरगुजा के मैनपाट के खोपखार जलाशय के समीप इस मैनपाट महोत्सव का आयोजन हुआ। इस मैनपाट महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2012 से हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जो मैनपाट महोत्सव है इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से हुई थी। वर्ष 2012 में इसे मैनपाट कार्निवल के नाम से इसका आयोजन किया जाता था, ठीक है। वर्तमान में इसे मैनपाट महोत्सव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य, ये जो है आपके छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में पर्यटकों को आकर्षित करना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। इस साल जो है, इस साल इस मैनपाट महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय कवि एवं गीतकार कुमार विश्वास, ठीक है, कुमार विश्वास मुख्य आकर्षण रहे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैनपाट महोत्सव, अगर कथन आधारित प्रश्न भी आता है तो मैनपाट महोत्सव का ये जो है इस साल का जो संस्करण था ये 10वें नंबर का मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा, 3 दिवसीय आपका मैनपाट महोत्सव था जो कि 11 से लेकर के 13 मार्च के मध्य इसका आयोजन हुआ। अगर स्थान की बात किया जाए तो स्थान है आपके खोपखार जलाशय मैनपाट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एडेस मेटा नक्सली हमला जांच रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, ये जो आपका एडेस मेटा नक्सली हमला जो जांच रिपोर्ट है, अभी हाल ही में विधानसभा में इसका रिपोर्ट पेश किया गया। ये जो आपका एडेस मेटा नक्सली हमला है, इसका एक जांच कमेटी बनाई गई थी, एक जांच आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल। ये जो आपका एडेस मेटा नक्सली हमला, ये हुआ था बीजापुर जिले के एडेस मेटा में 17 मई 2013 को, यानी कि झीरम घाटी नक्सलाइट हमला के एक सप्ताह पहले, ठीक है, आपका 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सलाइट हमला हुआ था, उसके एक सप्ताह पहले 17 मई 2013 को एडेस मेटा नक्सली हमला जो हुआ था, अभी आगे हम देखेंगे है क्या। देखिए, इसे नक्सली हमला नाम तो दिया गया, लेकिन जब इसमें जो आपका जांच आयोग जो बनाया गया, उसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें बात क्या सामने आया, ध्यान समझिएगा। जब ये नक्सली हमला हुआ था, तब उस समय सुरक्षा बलों ने यह दावा किया था कि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 माओवादियों को मार डाला, ठीक है, यानी कि 8 नक्सलवादियों को मार डाला। लेकिन जो आपके वीके अग्रवाल की जो जांच समिति थी, जो जांच आयोग थी, उसने विधानसभा में अपना रिपोर्ट सौंपा, जिसमें यह बात सामने आया कि 17 मई 2013 की रात एडेस मेटा में ग्रामीण जो है अपना अलाव जला करके स्थानीय त्योहार बीज पंडुम मना रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे सुरक्षा बल के जवानों ने आग की रोशनी के इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा देखकर उन्हें नक्सलाइट समझा और घबराहट में ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 नाबालिग भी शामिल थे, उनकी मौत हो गई। मतलब जांच रिपोर्ट में सामने आया कि जो एडेस मेटा नक्सली हमला, या जो आपका एडेस मेटा में जो 8 लोग मारे गए थे, वो नक्सलाइट नहीं थे, वो स्थानीय ग्रामीण थे जो उस रात अपना एक त्योहार बीज पंडुम मना रहे थे, ठीक है, एक रात्रि के समय अंधेरे में
आग जला करके अपने को अपना एक त्योहार मना रहे थे, वहां से गुजर रहे सुरक्षा बलों को लगा कि यह जो है नक्सलाइट या माओवादी की एक टुकड़ी है, जिसमें घबराहट में सुरक्षा बलों ने उन पर फायरिंग कर दिया, जिसमें 8 लोग मर गए। इन 8 लोगों में 4 नाबालिग थे। ठीक है, तो ये था आपका रिपोर्ट। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो जांच आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे, वीके अग्रवाल। और ये घटना कब की है पूछा जाए, बीजापुर जिले में यह घटना घटित हुई 17 मई 2013 की यह घटना है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मदनवाड़ा नक्सली हमला। मदनवाड़ा नक्सली हमला, इसका भी एक जांच रिपोर्ट सौंपा गया है आपके विधानसभा में। यह मदनवाड़ा नक्सली हमला जो है यह 12 जुलाई 2009 को हुआ था। कहां पर हुआ था? मानपुर थाना क्षेत्र मदनवाड़ा, राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा के मानपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए भी एक जांच आयोग गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे पूर्व न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव। देखिए, इन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जो है यह बात रखी गई कि यह घटना आईपीएस मुकेश गुप्ता के कमांड की विफलता का परिणाम था, अभियान के नेतृत्व बेहद गैर जिम्मेदार। देखिए, एक्चुअली घटनाक्रम क्या है, यह जो आपका मानपुर थाना क्षेत्र है, यहां पर आपका एक थाना की यहां पर शुरुआत की गई थी, लेकिन ये जो आपका जो मानपुर वाला क्षेत्र है, ये नक्सल गतिविधियों से प्रभावित था। ठीक है, वहां पर जहां पर थाना बनाया गया था, वहां पे बुनियादी सुख सुविधाएं भी नहीं थी। इसकी जानकारी आईपीएस मुकेश गुप्ता को थी। ठीक है, इसके बावजूद भी उन्होंने जो उस समय जो आपके तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे विनोद कुमार चौबे सहित आपके 29 पुलिस कर्मियों को उन्होंने वहां पर भेजा। ठीक है, वहां पर ना ही आपके कोई सुरक्षा बलों की ना ही कोई तैनाती थी, ना ही कुछ था। ये जानकारी मुकेश गुप्ता जी को पता थी, उसके बावजूद भी उन्होंने विनोद कुमार चौबे और 29 पुलिस कर्मियों को वहां पर भेजा। नक्सली अपना गश्त लगा करके बैठे हुए थे और उन्होंने इन पर हमला कर दिया, जिसके कारण आपके विनोद कुमार चौबे सहित जो है टोटल 29 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। इसमें भी आपको डेट सबसे पहले याद रखना है, आपके 12 जुलाई 2009 की यह घटना है, आपका मानपुर थाना क्षेत्र मदनवाड़ा राजनांदगांव जिले में हुआ। इसके जांच आयोग के अध्यक्ष थे शंभुनाथ श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। देखिए, सत्ता पक्ष से मिला संतराम नेताम को, जबकि विपक्ष से मिला आपका अजय चंद्राकर। सत्ता पक्ष का मतलब वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है पूछा जाए, तो वो है आपका कांग्रेस की। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपका कांग्रेस की सरकार है, तो ये कहलाएगा आपका सत्ता पक्ष, जबकि विपक्ष कौन है, ये है आपका बीजेपी। ठीक है, तो सत्ता पक्ष से उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला आपके संतराम नेताम को, जो कि केशकाल विधानसभा से विधायक है, जबकि अजय चंद्राकर जो कि बीजेपी से है, विपक्ष है, ये कुरुद विधानसभा से विधायक है। इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ष 2022 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बस्तर चो गीत। हाल ही में आपके आरुग म्यूजिक के द्वारा बस्तर चो गीत लॉन्च किया गया। बस्तर चो गीत, ये गीत जो है आपका एनएमडीसी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाग और बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से इस गाने को फिल्माया गया है, जिसे लॉन्च किया गया है आरुग म्यूजिक के द्वारा। इस गाने का जो निर्माण है वो किया गया है लाइमलाइट प्रोडक्शन हाउस के द्वारा। इस गाने को लिखा है सागर बोस और भुवनेश्वर यादव ने, जबकि इसे गाया है राकेश तिवारी और अंकित तिवारी, जो कि एक रैप सिंगर है। ठीक है, इसे फिल्माया गया है एनएमडीसी और बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से। विशेष बस्तर की कला संस्कृति, खान पान, यहां की खूबसूरत पर्यटन स्थलों, आदिवासी कल्चरों की झलक दिखाई गई है इस आपके गाने के माध्यम से। गाने का नाम क्या है? बस्तर चो गीत। इंपॉर्टेंट, थोड़ा याद रखिएगा। बस्तर, देखिए, जब कभी भी जो है बस्तर वाले क्षेत्र, स्पेशली छत्तीसगढ़ की अगर नाम आता है कहीं पर भी, तो सबसे पहला जो है यहां पे छत्तीसगढ़ की खूबसूरती या छत्तीसगढ़ के पर्यटन की बात नहीं होती, सबसे पहले अगर कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाता है तो पहला बात आता है कि नक्सलवाद। ठीक है, और अगर हम दंतेवाड़ा और बस्तर की बात कर दे तो 110% लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि नक्सलवादी एरिया। ठीक है, तो इस कारण से इस विचारधारा को बदलने के लिए
इन वीडियो एल्बम के माध्यम से, गाने के माध्यम से यहाँ के खूबसूरत आपके पर्यटन स्थल, आदिवासी कल्चर, संस्कृति, खान पान को इस गाने के माध्यम से लाया गया है, लोगों के सामने लाया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीमार्ट योजना। सीमार्ट योजना, सबसे पहला चीज तो यही कि सीमार्ट है क्या। सीमार्ट एक प्रकार का शॉपिंग मॉल है जहां पर विक्रय किया जाएगा, सामानों को बेचा जाएगा। किस प्रकार के सामान? महिला स्व सहायता समूह हो, शिल्पी हो, बुनकर हो, दस्तकार हो, कुंभकार हो, अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय किया जाएगा इस सीमार्ट में। देखिए, ये जो इस सीमार्ट की स्थापना प्रत्येक जिला के जिला मुख्यालयों में की जाएगी। इस सीमार्ट के स्थापना किए जाने की घोषणा भी पिछले साल के बजट में किया गया था। ठीक है, प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सीमार्ट की स्थापना की जाएगी, जो कि एक प्रकार का शॉपिंग मॉल है जहां पर महिला स्व सहायता समूह हो, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकरों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। हाल ही में इस सीमार्ट योजना का लोगो प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है। 22 मार्च 2022 को इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। यह सीमार्ट का लोगो या प्रतीक चिन्ह है। देखिए, ये जो आपका प्रतीक चिन्ह है, इसमें साल वृक्ष के नीचे आदिवासी महिलाएं परंपरागत या पारंपरिक हाट बाजार को प्रदर्शित किया गया है। ये जो है, यह है आपका साल का वृक्ष जिसके नीचे महिलाएं परंपरागत वस्त्र पहन करके हाट बाजार में सामान बेचती हुई दिखाई गई है। यहां पर बना हुआ है आपके हरे रंग की धान की बालियां, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के कृषि प्रधानता का प्रतीक है। यानी कि छत्तीसगढ़, जहां पर आपका धान की पैदावार सर्वाधिक है, तो ये यहां पर हरे रंग से बनाया गया है आपके धान की बालियां। जबकि ये जो है आपके महिला और पुरुष को जो पारंपरिक वस्त्र धारण किए दर्शाया गया है, और ये है आपका साल का वृक्ष। ठीक है, तो देखिए, साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि साल वृक्ष के नीचे बैठ करके हाट बाजार में आदिवासी अपना सामान बेच रहे। तो यह है आपका सीमार्ट योजना का प्रतीक चिन्ह, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से कलर है? यह है आपका मटमैला महरून कलर, हरा कलर, और आपका धान की बाली जो है हरा कलर का है, साल का वृक्ष जो है ये मटमैले महरून कलर का है। थोड़ा रंगों को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसको स्पेशली हाईलाइट करके जब ये न्यूज में आया तो इसमें रंगों पर भी काफी जोर दिया गया। ठीक है, इसमें मटमैले मेहरून कलर से आदिवासी बनाए गए हैं, आपके मटमैले मेहरून कलर से साल का वृक्ष बनाया गया है, धान की बालियां हरे कलर से बनाया गया है, हरे रंग से बनी हुई धान की बालियां छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार को दर्शाता है। ये सारे चीजों को इस न्यूज में बताया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जल पर्यटन। देखिए, प्रदेश में 9 सिंचाई परियोजनाओं में से 6 जलाशयों का चयन जल पर्यटन के रूप में किया गया है। प्रस्ताव क्या है कि इन 6 जलाशयों में एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट, पर्यटन विभाग के द्वारा एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाएगा। इसका जो जल पर्यटन हसदेव बांगो जलाशय के तर्ज पर इन 6 जलाशयों में जल पर्यटन विकसित किए जाएंगे। जैसे कि यहां पर आपका हसदेव बांगो का जो जल पर्यटन है उसे कुछ यहाँ पे इमेजेस आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे नौकायान हो गया, यहाँ पर जो है आपके एडवेंचर के लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। तो ये सारी सुविधाएं, यानी कि हसदेव बांगो जलाशय के तर्ज पर 6 जलाशयों का चयन किया गया है जिसे जल पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। 6 जलाशय कौन कौन से है? मॉडर्न सिल्ली जो कि धमतरी में स्थित है, दूसरा है घोंगा जलाशय बिलासपुर, तीसरा सरोदा बांध कबीर धाम, चौथा कोडार डैम रायपुर, पांचवा मलेनिया जलाशय गोरिल्ला पिंडरा मरवाही, और छठवा है संजय गांधी जलाशय, या इसे ही खूंटा घाट बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि मौजूद है आपके रतनपुर बिलासपुर में। इसको थोड़ा सा स्पेशली याद रखिएगा, पहली बार नाम सुनने के लिए मिल रहा है, मलेनिया जलाशय, जो कि कहां है? गोरिल्ला पिंडरा मरवाही में। 6 जलाशयों का चयन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर मुझे आप लोगों से विशेष चर्चा करनी है। ठीक है, ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 4 नए अनुविभाग एवं 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये शुभारंभ कब किया गया? ये शुभारंभ किया गया आपके 31 मार्च 2022 को, यानी कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला था, उसके एक दिन पहले 31 मार्च 2022 को 23 नए तहसील और 4 अनुविभाग का शुभारंभ किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 4 अनुविभाग और 23 तहसीलों का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले देख लीजिए, 4 अनुविभाग कौन कौन से थे? जगदलपुर जिले में तोकापाल, गोरिल्ला पिंडरा मरवाही में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान, और गरियाबंद जिले में मैनपुर। ठीक है, ये 4 अनुविभाग का शुभारंभ किया गया 31 मार्च 2022 को, जबकि 23 नए जिलों का शुभारंभ किया गया। देखिए,
यहां पर जो लिखा हुआ है ना, इस शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों का कंफ्यूजन यहां पे क्लियर होगा। जैसे कि वर्तमान में 23 नवीन तहसीलों के जोड़ने से छत्तीसगढ़ में हो जाएगी कुल 202 तहसीलें। दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल जिसे मैंने भी टेलीग्राम में शेयर किया था, उसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में आपकी 222 तहसीलें हैं, जो कि गलत है, ठीक है। उसके बाद उसमें यह भी बताया गया था कि 6 और तहसीलें जुड़ेगी तो तहसीलों की संख्या हो जाएगी 228। इसे आपको याद नहीं करना है, ठीक है। टेलीग्राम में मैंने भी इसे शेयर किया था। ये जो आप स्क्रीन पे ये जो चीज देख रहे हैं ना, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 31 मार्च 2022 को वर्चुअल इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। वर्चुअल तरीके से जब इसका शुभारंभ किया गया तो उनके सामने लगी हुई जो LCD है, वो LCD का ये फोटो है, ठीक है। जैसे रिमोट दबा के शुभारंभ करते हैं ना, तो उस समय LCD स्क्रीन पर ये शो हुआ है। आप जाकर के नेट में सर्च करेंगे तो आपको भी ये दिख जाएगा, LCD स्क्रीन पर शो हुआ है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वर्तमान में 23 नवीन तहसीलों के जुड़ने से छत्तीसगढ़ में हो जाएगी कुल 202 तहसीलें। यानी कि जो दैनिक भास्कर का जो आर्टिकल आया था जिसमें दावा किया गया था कि 222 तहसीलों की संख्या है, 6 नवीन तहसीलों की घोषणा की जा चुकी है, टोटल तहसीलों की संख्या 128 हो जाएगी, उसका खंडन है, ठीक है, वो गलत है, उसको याद नहीं करना है, ये ऑफिशियल है। नेट में भी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस 23 नए तहसीलों के निर्माण के बाद, ठीक है, इनके शुभारंभ के बाद अब छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है, 202, ठीक है। अब तहसीलों के अगर आप नाम देखेंगे, वो 23 तहसील कौन कौन से है, बिलासपुर में है आपका सीपत और बोदरी, गोरिल्लापिंड और मरवाही में है आपका सकोला या कोटमी, जांजगीर चांपा जिले का अड़भार, रायगढ़ जिले का सरिया और छाल, कोरबा जिले का बरपाली, अजगर बहार और आपका पसान, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में है आपका चांदो, रघुनाथ नगर, डोरा कोचली, सूरजपुर जिले का है आपका बिहारपुर, बलौदा बाजार का है सुहेला, भटगांव, दुर्ग का है अहिवारा, बेमेतरा का है नांदघाट, उत्तर बस्तर कांकेर का है सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का है बारसूर, बीजापुर जिले का है कुटरू, गंगालूर, नारायणपुर जिले का है छोटे डोंगर और आपका कोकामेटा, ठीक है। तो ये 23 तहसीलों का शुभारंभ किया गया, कब किया गया आपका 31 मार्च को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए वर्तमान में, देखिए पहले जो है आपके अनुविभागों की संख्या थी 96, 4 अनुविभाग का शुभारंभ किया गया 31 मार्च को, प्रदेश में अनुविभागों की संख्या हो गई 100। इसके अलावा प्रदेश में तहसीलों की संख्या थी आपकी 179, 23 नए तहसीलों का जो है 23 नए तहसीलों का शुभारंभ किया गया 31 मार्च 2022 को, अब तहसीलों की संख्या हो गई 202, ठीक है। बार बार बता रहा हूं, जो आपका टेलीग्राम चैनल में दैनिक भास्कर का आर्टिकल जो आया था उसे नहीं पढ़ना है, ये वाला जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने लगा हुआ LCD स्क्रीन था, और उस LCD स्क्रीन में ही ये बताया गया है कि वर्तमान में 23 नवीन तहसीलों के जोड़ने के बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 202, ठीक है। ये पूरे के पूरे डाटा यहां पे दिए गए हैं इसके साथ साथ, ठीक है। वर्तमान में तहसीलों की संख्या 202 है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 6 नए तहसीलों के गठन की घोषणा की गई है, अभी बनाया नहीं है, केवल घोषणा किया गया है कि कवर्धा जिले से पिपरिया और कुंडा, कोरिया जिले से बचरा पौड़ी, बलरामपुर से चल गली, जांजगीर चांपा से हसौद और मुंगेली से सरगांव, इन 6 को भी तहसील बनाया जाएगा। केवल घोषणा किया गया है, ये 202 में शामिल नहीं है, ये अलग है, इसका घोषणा बस हुआ है अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पारसा ईस्ट कांटा बासंग कोल ब्लॉक, ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। सबसे पहले चीज कि ये जो कोल ब्लॉक है, पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक, ये मौजूद है आपके सरगुजा वन मंडल, सरगुजा जिले के सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत आता है ये कोल ब्लॉक। ये चर्चा में क्यों रहा है, राजस्थान को कोयला खनन की अनुमति दी गई है, इस कोल ब्लॉक से राजस्थान को कोयला खनन की अनुमति प्रदान की गई है। देखिए व्यपवर्तन द्वितीय चरण के तहत 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दे दी गई है। देखिए ये जो आपका कोल ब्लॉक या जो आपके जो कोल एरिया है, परसा ईस्ट कांटा बासन कोल एरिया जो है, राजस्थान
कोयले का उत्खनन करता था। कोयले का उत्खनन करके अपने अपने राज्य में जो आपका ताप विद्युत संयंत्र है उसमें इस कोयले का उपयोग करता था। तो प्रथम चरण, देखिए यहां बात हो रही है द्वितीय चरण की, सेकंड फेज की। प्रथम चरण के अंतर्गत जितने भी कोयले का उत्खनन करके उपयोग करना था वो सारा का सारा कोयला उत्खनित करके उसने उपयोग कर लिया। लेकिन अब जो है राजस्थान में आ गया है कोयले की कमी, ठीक है, कोल संकट आ गया है, जिसके कारण वहां पर स्थित ताप विद्युत संयंत्र शट डाउन के कंडीशन में आ गए हैं, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लैकआउट के कंडीशन में आ चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में परसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक में जो है 1136 हेक्टेयर की वन भूमि को व्यपवर्तन की अनुमति दी गई है। देखिए जंगलों में पेड़ों को काट करके उत्खनन नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर के वन भूमि का डाइवर्जन होता है, व्यपवर्तन होता है, और व्यपवर्तन के पश्चात वहां पर उत्खनन किया जाता है। तो द्वितीय चरण का अनुमति छत्तीसगढ़ सरकार को मिल गई, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस कोल ब्लॉक को किसी को भी देना नहीं चाहता था। उसका कारण क्या है कि जो नई खदान है यह आता है लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत। स्थानीय आदिवासी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, ठीक है, एक तो यह एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत आ रहा है, वन भूमि क्षेत्र है, इसलिए आदिवासी भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब जो है राज्य सरकार ने हाथी रिजर्व का एरिया 450 वर्ग मीटर से बढ़ा करके 1995 वर्ग किलोमीटर कर दिया, ठीक है, पहले 450 वर्ग किलोमीटर था, उससे बढ़ा करके 1995 वर्ग किलोमीटर कर दिया, ठीक है। इससे जो है इस क्षेत्र की कुल 39 कोयला खदान प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है, राजस्थान सरकार को, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को यह कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया माइनिंग के लिए, ठीक है। इसकी जो जानकारी है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ट्वीट करके दिया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोल, ये जो आपका कोल ब्लॉक है यहां पे उत्खनन की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस कोल ब्लॉक को याद रखिएगा, विवादित स्थल है या जिसका विरोध लगातार आदिवासी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार का ना तो वन्य जीवों को, ना ही एलिफेंट रिजर्व को, और ना ही स्थानीय आदिवासियों को, इलाके को प्रभावित किया जाएगा इस उत्खनन के दौरान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये कोल ब्लॉक कहाँ है, सरगुजा वन मंडल, सरगुजा जिले के अंतर्गत ये कोल ब्लॉक आता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए भोरमदेव महोत्सव। हाल ही में जो आपका वर्ष 2022 का भोरमदेव महोत्सव, ठीक है, वर्ष 2022 का जो भोरमदेव महोत्सव है इसका 26वां संस्करण, ये जो संस्करण है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। कई बार डायरेक्ट संस्करण से प्रश्न आता है, वर्ष 2022 में भोरमदेव महोत्सव का आपका 26वां संस्करण का आयोजन हुआ, ये आयोजन आपके 31 और 31 मार्च को हुआ। वैसे तो ये जो भोरमदेव महोत्सव है ये 3 दिवसीय मनाया जाता है, लेकिन इस साल इसे 2 दिवसीय ही रखा गया, ध्यान दीजिएगा। इसका आपका ये जो भोरमदेव महोत्सव है इसका शुरुआत हुआ था 1995 में, प्रथम आयोजन हुआ था 29 मार्च 1995 को। इसका आयोजन होली के बाद 13वें दिन या 13 और 14 को इसका आयोजन होता है। विशेष बात यह है कि इस महोत्सव का जो शुभारंभ है ये बैगा जनजाति के पारंपरिक नृत्य से होता है। भोरमदेव कहां पर स्थित है, ये मौजूद है आपके कवर्धा में। कवर्धा में निवास करने वाली जो मुख्य जनजाति है वो कौन सी, बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति के पारंपरिक नृत्य से ही इस भोरमदेव महोत्सव का शुरुआत होता है। इस साल इसका 26वां संस्करण आयोजित हुआ, ठीक है, 26वें नंबर का संस्करण आयोजित हुआ। 2 दिवसीय यह आपका महोत्सव था, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ विविध है, वन लाइनर है, इसे याद रखिएगा। पहला चीज ये जैव विविधता पार्क प्रस्तावित, जो आपका मेन पार्ट सरगुजा जिले के मेन पार्ट में प्रदेश सरकार के द्वारा जैव विविधता पार्क अभी प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ टीबी मुक्त अभियान, हमारे प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित है वो है आपके वर्ष 2025। मिर्ची प्रोसेसिंग यूनिट ये स्थापित किया जाएगा आपके जशपुर जिले में। भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव ये बनाए गए हैं आपके संजय मिश्रा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के संजय मिश्रा को भारतीय बैडमिंटन संघ का महासचिव बनाया गया है। बस्तर लोक भित्ति चित्रकार, इनका नाम याद रखिएगा, लतिका वैष्णव। लतिका वैष्णव कौन है, लतिका वैष्णव हमारी प्रदेश की एक भित्ति चित्रकार है बस्तर क्षेत्र की।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना काफी चर्चा में रहा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसके अंतर्गत किसानों को हर साल 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है सहायता राशि। इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 37.46 लाख किसान पंजीकृत है। छत्तीसगढ़ी फिल्म मार डारे मयामा, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, ये जो पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो छत्तीसगढ़ में रिलीज होने से पहले अमेरिका में रिलीज हो रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में रिलीज होने से पहले अमेरिका के अटलांटा में इसका प्रीमियम रखा गया था। बाल विवाह जो अभी हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 यानी कि 2019-21 की जो रिपोर्ट आई थी यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5, इसमें हमारे प्रदेश में जो बाल विवाह है यानी कि 18 वर्ष से कम आयु में विवाह, इसका प्रतिशत रहा आपके 12.1%, ठीक है, 12.1% रहा हमारे छत्तीसगढ़ में बाल विवाह प्रतिशत। हमारे प्रदेश में जो सर्वाधिक बाल विवाह हुआ इस रिपोर्ट के अनुसार वो है आपका सूरजपुर जिला, ठीक है, सूरजपुर जिला जो है यहां पर आपका सर्वाधिक बाल विवाह हुआ। नेक्स्ट है आपका कोरबा जिला, कोरबा जिले के पुलिस थाने व चौकियों में कामकाज की शुरुआत राजकीय गीत, प्रदेश का जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार, इससे जो है इस राजकीय गीत के साथ कोरबा जिले के सभी पुलिस थाने और चौकियों में कामकाज की शुरुआत की जा रही है और ऐसा करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र या पहला जिला है आपका कोरबा जिला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार हमारे प्रदेश के सूरजपुर जिला के छिंदिया पंचायत को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया? जल संरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए, ठीक है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सूरजपुर जिले के छिंदिया पंचायत को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि जल संरक्षण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए किस पंचायत को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया, तो छिंदिया पंचायत सूरजपुर जिला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इतने सारे कंटेंट को आपको याद रखना है, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।